देखिए मल्टीपल पिटीशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं. सम ऑफ द पिटीशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ. वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे. स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है दैट क्लोज टू अबाउट 70 टू 80 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड इन ग्रेस मार्क्स रैंडमली टू एटलीस्ट 1500 स्टूडेंट्स. वी आर चैलेंजिंग द आर्बिट्ररी अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स टू पीपल. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है उनको 720 भी मिल गया है. दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर वन. ऐसे भी हो चुका है. So, can you tell me what happened in today's hearing and what petition that you have filed is going to be listed tomorrow? देखिए मल्टीपल पिटीशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं. सम ऑफ द पिटीशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ. तो उसके बेसिस पे कुछ पिटीशंस लिस्ट हुए थे. जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं. But our petition is slightly different. I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1500 students. So our petition is different from the other petitions, where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है उनको 720 भी मिल गया है. दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर वन. ऐसे भी हो चुका है. सो व्हाट वी हैव टोल्ड द कोर्ट दैट देयर इज अ वेरी क्लियर इशू हियर. द थिंग इज सिंस द मैटर वाज नॉट लिस्टेड बिफोर द कोर्ट टुडे द कोर्ट इज ओनली सेड आप रजिस्ट्री में मेंशन करके इसको लिस्ट करा दीजिए. सो आई थिंक बाई टुमारो द मैटर शुड बी लिस्टेड. हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है. सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड that our matter will also be taken up with the other matters and usme bhi notice issue ho jana chahiye. But the court is clear that it will not stay the counseling process at this stage. So that is what the court has said. Let's see what happens. Kal hamara matter list ho jana chahiye.